हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते एक कहानी। कहानी का नाम है शत्रु से मित्रता। शत्रु से मित्रता। एक होशियार चूहा वृक्ष के छेद में रहता था। एक दिन जब वह बाजार आया, उसने एक बिल्ली को आंसू बहाते देखा। चूहे ने बिल्ली के पंजे में एक कांटा चुबा पाया, इसीलिए उसने बिल्ली के पंजे में चुभे कांटे को निकाल दिया। बिल्ली प्रसन्न हो गई। ये बिल्ली रो रही है और ये कांटा फंसा हुआ है उसके पंजे में, उसको चूहा निकाल रहा है। बिल्ली ने चूहे को आभार प्रकट किया, तब से वे दोनों मित्र बन गए। बिल्ली हर रोज आती और चूहे के साथ शाम तक गीत और नृत्य में बिताती। कि बिल्ली और चूहा दोनों दोस्त बन गए। आस पास मतलब शाम को दोनों नृत्य करते, गीत गाते। एक दिन बिल्ली को कोई भोजन नहीं मिला। वह बहुत ही भूखी थी। वह चूहे के पास गई और बेहोश हो गई। चूहा उसे कुछ फल देने लगा तो भूखी बिल्ली उसे मारकर खाने के लिए उसी पर झपटी। ये परंतु सुस्त चूहा विपत्ति को समझ गया। तुरंत ही वह वेग से पेड़ के बने बिल में छलांग मार गया। तब चूहे की समझ में आया कि जाने माने शत्रु से मित्रता सदैव हानिकारक होती है। यानी कि इससे सीख भी यही मिलती है कि जाने माने शत्रु से मित्रता सदैव हानिकारक होती है। यानी कि चूहों की बिल्ली मतलब शत्रु होती है। तो इसने इसका बेचारे ने चूहे ने तो इसके पैर से वो किया इससे मित्रता की, लेकिन फिर भी बिल्ली इसी को खाने के लिए दौड़ रही है। तो जाने माने शत्रु से मित्रता सदैव हानिकारक होती है।